दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को कहा कि संविधान उपराज्यपाल वीके सक्सेना को राष्ट्रीय राजधानी में परियोजनाओं के लिए धनराशि मंजूर करने की शक्ति नहीं देता है। सौरभ भारद्वाज का यह बयान ऐसे समय में आया जब G20 शिखर सम्मेलन के लिए परियोजनाओं के वित्त पोषण को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सौरभ भारद्वाज के बयान पर एलजी वीके सक्सेना ने अपनी टिप्पणी पर कहा कि अगर कोई उनके द्वारा किए गए काम का श्रेय लेना चाहता है तो वह ले सकता है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो इसका मतलब है कि केंद्र अच्छा काम कर रहा है। वीके सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे के नाले पर 75% काम पूरा हो चुका है और यह परियोजना सुनिश्चित करेगी कि क्षेत्र में कोई जलभराव न हो। सक्सेना ने कहा कि 9-10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 3 दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है और इससे कुछ लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।